हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मेरे चैनल कुकिंग विदुषा में आप सबका स्वागत है। आज हमने लौकी की दो वैरायटीज बनाई हैं, जो कि एक अलग तरीके से बनाया है। बहुत ही टेस्टी बनी है, जिसे बच्चों ने बड़े शौक से खाया। देखिए कितनी सॉफ्ट बनी है। ये मैंने पकौड़ी के रूप में बनाया है और ये मैंने कोफ्ते के रूप में बनाया है, जो कि बहुत ही स्वादिष्ट बनी है। आपको मेरी रेसिपी जरूर पसंद आएगी। अगर आप फुल वॉच करेंगे तो आप भी बनाइए, खाइए और खिलाइए। अगर पसंद आती है तो प्लीज लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे मेरी आने वाली वीडियो की अपडेट आपको तुरंत मिले। अब चलते हैं रेसिपी की तरफ, हमने इसको कैसे बनाया है। रेसिपी के लिए मैंने आधा किलो लौकी ली है, ये कुछ टमाटर लिए हैं, दो मिर्च ली है और अदरक का टुकड़ा लिया है। इसको हम छील के क्रश कर लेंगे और टमाटर को हम काट लेंगे। हमने पूरी लौकी छील ली है, अब इसको क्रश करना है। ये हमने सारी लौकी को क्रश कर लिया है। ये लौकी हमने जो क्रश किया हुआ है हम बाउल में डाल देंगे। ये मिर्च काटी थी मैंने, हरी मिर्च, इसमें से आधी मिर्च डाल देते हैं इसमें और आधा अदरक डाल देते हैं। हमने जो हरा धनिया काटा था ये बीच में डाल देते हैं। आधा हमने बचा लिया है। 1 टेस्पून हमने नमक डाल दिया है इसमें। 1/2 टेस्पून मैंने हल्दी पाउडर डाल दिया है। 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर डाल दिया है। 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर डाल दिया है। थोड़ा सा गरम मसाला डाल दिया है। ये मैंने 1 कप बेसन लिया है। अब जितना हमारा लौकी में लगेगा 1 कप के आसपास लग जाता है। हमने सारा बेसन डाल दिया है इसमें। मैंने 3 उबले हुए आलू लिए हैं, इसी में हम आलू भी कस लेंगे। ये हमारे आलू भी क्रश हो गए हैं। अब इसमें हमने जो आलू कशे थे थोड़ा थोड़ा करके इसमें हम इसे मिला देंगे। इससे टेस्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है इसमें। अगर आप आलू डालना चाहें तो डाल सकते हैं और इसे स्किप भी कर सकते हैं। ज्यादातर मैं नाश्ते में अक्सर बनाती हूँ बच्चों के लिए, तो बच्चे खुश होकर खाते हैं। वैसे लौकी की सब्जी नहीं खाएंगे, लेकिन इस तरह से खा लेते हैं। इसमें मैं 1/4 कप घर का दही लिया है, जो इसमें डालूंगी, और इसमें 1/8 टीस्पून मुश्किल से 2 या 3 चुटकी मैंने इसमें बेकिंग सोडा डाला है। इससे बहुत ज्यादा फ्लफीनेस आ जाती है। अब इसको थोड़ा सा फैट लेंगे हम। अभी हमारा बहुत अच्छा बैटर रेडी हो गया है, अब इसे बनाने की तैयारी करते हैं। गरम हो गया है हमारा तेल। बैटर को थोड़ा सा हम एक बार को फैट लेंगे। इतने बड़े बड़े हम गोले से डालते जाएंगे। ये हमने पलट दिए हैं, कितने सॉफ्ट बने हैं, देखिए बहुत अच्छे बने हैं, बिल्कुल हार्ड नहीं है। तेल थोड़ा ज्यादा गर्म होना चाहिए, जिससे कि अगर हम लाइट फ्लेम में करेंगे तो ये हमारा तेल ज्यादा पी जाएंगे, और डालने के बाद फिर हम अपना फ्लेम हल्का कर देंगे। मैंने फुल फ्लेम कर रखा है, जिससे कि ये ज्यादा तेल नहीं पियेंगे। बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट बने हैं, ठोस नहीं है बिल्कुल भी, स्टिफनेस नहीं है एकदम। आप इन्हें पकोड़े के रूप में भी खा सकते हैं और कोफ्ते के रूप में भी बना सकते हैं सब्जी। मैं इसकी दोनों रेसिपी तैयार कर रही हूँ। सभी को इसी तरह से तल लेंगे। जब हमारे सीख जाते हैं ये, तब हम फ्लेम को लो पर कर देते हैं, जिससे कि जो हमारे गोल्डन ब्राउन सीख रहे हैं वो जल न जाए। कितने अच्छे गोल्डन ब्राउन सीखे हैं। हमारे पकौड़े भी तैयार हो गए हैं। आप इन्हें कोफ्ते के रूप में बना सकते हैं, क्योंकि बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं। इसका तेल मैं निकाल लेती हूँ। कोफ्तों की ग्रेवी इसी कढ़ाई में बनाएंगे। फ्लेम हमने ऑन कर दिया है। हम थोड़ा जीरा डालेंगे इसमें, 2 बड़ी इलायची हैं, थोड़ा सा दालचीनी और काली मिर्च और 4 लौंग लिए हैं, इसमें डाल देते हैं। थोड़ा सा अदरक का टुकड़ा था इसमें, जो मैंने क्रश कर लिया था वो डाल दिया है। ये टमाटर थे वो टमाटर डाल देते हैं। 1/2 टीस्पून नमक डाल देते हैं। थोड़ा देर इसको सोते होने के लिए रख देते हैं। 5 मिनट हो गए हैं इसको। फ्लेम ऑफ कर देते हैं। थोड़ा ठंडा होने पर इसे मिक्सर में हम पेस्ट बना के लाते हैं। हमने कढ़ाई का इसमें ट्रांसफर कर लिया है, अब इसे हम पेस्ट बना के लाते हैं। 1/2 टीस्पून हमने जीरा डाल दिया है इसमें। 1/2 टीस्पून अदरक क्रश किया हुआ है। थोड़ी सी हरी मिर्च है। 1 टीस्पून हल्दी पाउडर है। 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च है कलर के लिए। ये टमाटर प्यूरी डाल दी है हमने इसमें, और इसमें हम करीब 1.5 कप पानी डाल दिया है। इसमें 1/2 टीस्पून नमक और डाल देंगे, क्योंकि सब में हमारा नमक पड़ा हुआ है, जिससे अभी स्वाद इसका सही हो जाएगा। इसको अब हम ढक देते हैं। अगर हमारी ग्रेवी पतली होती है तो हम इसमें थोड़ा सा 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर डाल देंगे, और नहीं तो हम ऐसे ही पकाएंगे। 5 मिनट हो गए हैं, ग्रेवी हमारी सही है, हमें अभी कुछ नहीं डालना है इसमें। अब इसको 5 से 7 मिनट तक के लिए पकने देंगे मीडियम फ्लेम पर। 5 मिनट हो गए हैं कोफ्ते डाले हुए,
अब इसमें हम गरम मसाला डाल देते हैं 1/2 टीस्पून, और जो हमने हरी मिर्च और अदरक बचाया था वो भी डाल देंगे इसमें, और ये धनिया डाल देंगे, हरा धनिया हमने काट के रखा था। बहुत अच्छी खुशबू निकल रही है बिना प्याज लहसुन की, इतनी बढ़िया सब्जी बनाई है, आपको जरूर पसंद आएगी मेरी सब्जियां, आप इसे कभी भी बना सकते हैं। अब मैं फ्लेम ऑफ कर देती हूँ और इसको 10 मिनट के बाद मैं सर्व करूंगी। लीजिए हमारी सब्जी तैयार हो गई है, जो कि बहुत ही यूनिक फ्लेवर निकल रहा है सब्जी में से, ये कितने सॉफ्ट बने हैं कोफ्ते। आप भी बनाइए, खाइए और खिलाइए। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती हैं तो प्लीज लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे मेरी आने वाली वीडियो की अपडेट आपको तुरंत मिले। अब मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में, बाय।